हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A54 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A54 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट QR कोड ऑप्शंस है, तो हॉटस्पॉट QR कोड ऑप्शंस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में QR कोड को स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कैसे बिना पासवर्ड के कनेक्ट कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं और आप इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि QR कोड को स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं और आप इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। फिर आपको जाना है कनेक्शंस पे, कनेक्शंस पे जाकर आपको वाईफाई पे जाना है, जहाँ से आप QR कोड को ओपन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से QR कोड स्कैनर है, शो हो रहा है, तो QR कोड स्कैनर आपके फ़ोन में शो हो रहा है, तो इसके ज़रिए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जब आप QR कोड स्कैन करते हैं तो वायरलेस इंटरनेट आप चला पाएंगे, किसी भी दूसरे फ़ोन में वायरलेस इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं और QR कोड को भी शेयर कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो देख सकते हैं कि आप स्कैनर सेटिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी फ़ोन के स्कैनर के ज़रिए भी वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, और वाईफाई स्कैनर का यूज़ करके नेटवर्क को आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A54 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो